है गाइस, मेरा नाम विपिन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो ग्रैंड फाइनल्स डे टू चल रहा है मैक इंडिया का, तो उसका जो है ओवरऑल स्टैंडिंग एंड जो एमवीपी है आपके स्क्रीन पे। एंड इसमें जो माफिया ने जो एक सोलो हैंडेड बुया निकाला है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड उसमें जो उसने अकेले बुया निकाला है, बेसिकली लास्ट जोन में 3 से 4 प्लेयर्स होते हैं, सोलो प्लेयर्स होते हैं, एंड उनके बीच में जो है माफिया ने बुया निकाला अपने दम पे, तो वो आज की हाईलाइट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाकी आप जो है वीडियो को एंजॉय करिए। कर गए हैं अंश ओपन में जाने की, और यहाँ पे मौका है मोखारिया भाई, बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था मैम ने, लाजवाब प्रेडिक्शन आपका मैम। यहाँ पे एरो गेमिंग मुझे लग रहा है शायद बाजी मार सकती है। दोनों टीम्स जो है इस वक्त फाइट में एंगेज है, बट रुकी है जरा कहानी में एक और ट्विस्ट। अभी भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है शायद डिलीट बचे हैं, और प्रतीक मुझे लग रहा है सिर्फ हीलिंग करके ही, नहीं माफिया बचे हैं, क्षमा चाहूंगा। और यहाँ पे अगर आप देखें अंशु भी बचे, इट्स 1v1v1, तीनों टीम्स के एक एक प्लेयर बचे हैं और कोई भी जीत सकता है ये मुकाबला, अंशु या फिर माफिया या फिर प्रतीक, कौन जीतेगा इस मुकाबले को। और यहाँ पे अगर आप देखें मेरे हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से तो अंशु काफी फेवरेट पोजीशन में, लेकिन A124 का इस्तेमाल, करेक्टर एबिलिटीज डिसेबल हो गई थी, लेकिन रुकिए जरा यहाँ पे करेक्टर एबिलिटीज डिसेबल जरूर हुई थी, लेकिन दोबारा से अपने लिए परमानेंट कवर प्राप्त करने में कामयाब हो चुके हैं अंशु, परफेक्ट पोजीशन में है, और बाकी दोनों खिलाड़ियों को लड़ना पड़ेगा और अंशु के पास एक परमानेंट कवर है। माफिया खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मेडिकेट अगर लगा ली तो कहीं ना कहीं माफिया को एक मौका जरूर मिलेगा आगे जाने का। अंशु बना माफिया, हो सकता है 3 players from the different teams are alive, 1v1v1 मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए इस बार माफिया ने ठान लिया कि मैं सीधा अंशु पे चार्ज करूंगा, सीधा अंशु पे चार्ज करूंगा, और यहाँ पे मौके का फायदा उठाने को मिल सकता है वहां पे प्रतीक को थोड़ी देर और होल्ड करना पड़ेगा। माफिया अंशु गए माफियाज होते हैं, यहाँ पे दोनों सोनिया कैरेक्टर्स पे एक्टिव हो चुके थे।